उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से करीब 28 किलोमीटर दूर तुलसीपुर कस्बे में स्थित है देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन मंदिर। इसे मां पाटेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यहां माता सती का बायां स्कंध यानी कंधा गिरा था और कुछ लोगों का मानना है कि यहां देवी के पट यानी वस्त्र गिरे थे। इसी कारणवश इस मंदिर का नाम पाटन पड़ गया और यह जगह देवी पाटन के नाम से मशहूर हो गई। देवी पाटन के इस मंदिर की स्थापना गुरु गोरक्षनाथ ने की थी और इसका निर्माण मौर्य वंश के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। तब से लेकर आज तक ये मंदिर नाथ परंपरा के ही अंतर्गत आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, किंतु उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया था, जिससे रुष्ट होकर देवी सती ने उस यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवी के शव को यज्ञ कुंड से निकाला और कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने देवी के शरीर को 51 भागों में काट दिया, जिसके बाद ही भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ था। देवी के अंग जिन स्थानों पर गिरे थे उनको ही शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी का कंधा या पट गिरा था। भगवान शिव की आज्ञा से सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ ने इस स्थान पर पूजा के लिए एक मठ बनवाया था और लंबे समय तक माँ दुर्गा की पूजा की थी और बाद में महाराजा विक्रमादित्य ने इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि इस स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ को सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। मंदिर परिसर के बाहर दोनों तरफ लंबी कतारों में दुकानें बनी हुई हैं, जिनमें चुंदरी, नारियल और विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री व खिलौने आदि चीजें मिलती हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाद एक लंबे कॉरिडोर से होकर गुजरने के पश्चात आप मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं। यहाँ सामने की तरफ मंदिर और बाहर किनारे की ओर कुछ दुकानें और भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है, साथ ही एक यज्ञशाला भी। मुख्य द्वार की 5 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर का आंगन शुरू होता है, जिसके दोनों तरफ पंखों वाले 2 शेरों की मूर्तियां लगी हुई हैं। मंदिर के सामने आंगन में ही एक और छोटा सा मंदिर है, जिसमें सामने की तरफ काल भैरव और पीछे की तरफ माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित है। आंगन के दाहिनी तरफ एक भवन है जो कि महंत व अन्य पुजारियों के रहने के लिए है। इस भवन के अंदर काल भैरव की विशाल प्रतिमा भी विराजमान है। मंदिर के बाएं तरफ कुछ दुकानें हैं, जिनमें मंदिर में चढ़ाने हेतु प्रसाद लिया जाता है। साथ ही फूलों की भी 1-2 चलती फिरती दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब बात करें मुख्य मंदिर की, तो यह एक संगमरमर से बनी इमारत है जिसके अंदर माँ दुर्गा की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है और दीवारों पर दुर्गा सप्तशती की पंक्तियां लिखी हुई है। माना जाता है कि इस गर्भगृह के अंदर जलने वाली अखंड ज्योति त्रेता युग से आज तक जल रही है और गर्भगृह में एक सुरंग भी है जो पाताल लोक तक जाती है। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते कि ये कितना सच है। मंदिर के बाहर चारों ओर लोहे की जालीदार दीवार बनी हुई है ताकि नवरात्रि व अन्य अवसरों पर होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। चारों ओर से पेड़ों से घिरे हुए इस मंदिर का संगमरमरी शिखर शाम के सुनहरे प्रकाश में एक अलग ही आभा लेकर चमकता है। मंदिर के पीछे बाईं तरफ और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें से एक है मंदिर के संस्थापक गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर। उसके अलावा महाराज कर्म व अष्टभुजी माता का मंदिर भी है। मंदिर के पीछे दाएं तरफ एक सिद्ध सन्यासी रत्ननाथ जी का प्राचीन मंदिर भी है, जो ज्यादातर बंद ही रहता है और इसमें कम ही श्रद्धालु जाते हैं। मंदिर के दाहिने तरफ एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी की पिंड रूप में प्रतिमा स्थापित है। हनुमान देवी के हर मंदिर में उनके साथ अवश्य ही विराजमान होते हैं। नेपाल की सीमा के पास होने के कारणवश इस मंदिर में हमेशा भारत व नेपाल के हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। अब बात करें मंदिर के परिसर में बने इस कुंड की, तो इसको सूर्य कुंड कहा जाता है और इसके पीछे की मान्यता ये है कि सूर्यपुत्र महारथी कर्ण ने इसी स्थान पर भगवान परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा लेते समय स्नान आदि के लिए जल की आवश्यकता होने पर कर्ण ने ही इस कुंड का निर्माण किया था। स्नान आदि के लिए प्रयुक्त होने वाला यह सूर्य कुंड जनश्रुतियों के अनुसार महाभारत काल का बताया जाता है। लोगों में मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से हर प्रकार के रोगों
और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अपने वर्तमान स्वरूप में ये कुंड एक अंडाकार जलाशय है जिसके चारों ओर सीढ़ियां और आसपास की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस कुंड में छोटी छोटी बोट्स के चलने का भी प्रबंध किया गया है जिसमें बैठकर श्रद्धालु जल विहार का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसी और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी डायरी से, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शीघ्र मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।